दोस्तों नमस्कार। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुथेकर। दोस्तों अभी बहुत दिनों के बाद हम अपना एक एपिसोड बना रहे हैं, जो हमारे एपिसोड का नाम है दिमाग को करेंगे तेज। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हैं कि इनसे जो हम सवाल पूछेंगे कि उसका उत्तर बराबर देंगे या नहीं देंगे, ये थोड़ा सा हम इनसे जानकारी लेंगे। ऐसा एक आदमी था जो बहुत छींकता था, छींक छींक जो आती है ना, बहुत छींकता था, लेकिन उसको गाँव वाले छोटेलाल करके बुलाते थे। ऐसा क्यों बुलाते होंगे? छोटे लाल करके बुलाते हैं? हाँ, क्यों बुलाते होंगे? क्यों बुलाते होंगे? क्योंकि तो, वो गांव भर में सबसे ज्यादा छींकता है, वो मन छींकता है। उसका कुछ होगा भी ऐसा कुछ लेन देन में बोलो या बोल में बोलो और कुछ रहन सहन में, तो वही हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि उसको छोटे लाल क्यों बोलते होंगे गांव भर है। छोटे लाल क्यों बोलते होंगे? छोटे लाल ऐसा बोलते हैं कि उसका उर्फ नाम होगा। हाँ, ये सही उत्तर मिल गया हमारा। अब वो छीके नहीं कुछ भी करे, उसका ओरिजिनल नाम छोटे लाल है, इसलिए छोटे लाल ही बोलेंगे बोलेंगे, है ना। अब हाँ, आप भी सुनो, एक प्रश्न है सिंपल सा। जैसे रुपए होते हैं, रुपए नोट, चाहे 1,000 हो, 10,000 हो, 1 करोड़ हो, तुरंत डबल करने का ऐसा कोई आसान तरीका बताओ। आसान तरीका तो कुछ नहीं समझता, अंदाज लगाओ। आसान तरीका ये बताते हैं मोबाइल में, अगर वो समझ में नहीं आता अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और सुनो अच्छे से। जो नोट है, नोट उसको दुगना करने के लिए, उसको डबल करने के लिए आसान तरीका क्या हो सकता है? अपना एक दिमाग लगाओ कि आपके पास मान लो 10 लाख या 10,000 रुपए है, तो उसको बिल्कुल तुरंत आसान तरीके से डबल करना है, 6 महीने 12 महीने में नहीं, तुरंत, तो कैसा करोगे? उसके लिए मशीन होना, मशीन मशीन होना, जब कहीं हो सकता है डबल। पर मशीन तो नया नोट छापेगी ना, वो रुपए को डबल करना है, वो रुपए को डबल करना है, तो कुछ कमाई होना उसको उसके लिए। आपको क्या लगता है, तुरंत तुरंत डबल करना है उसका? तुरंत के लिए तो अपने को नहीं समझता क्या करना पड़ेगा। और प्रश्न को हल्का कर देता हूँ। जैसा मान लो 10 गड्डी है तुम्हारे पास नोट की, अब 10 की 20 गड्डी करना है तुरंत में, तो कैसा करोगे? उपाय बताना है, उपाय तरीका। 10 गड्डी के 20 गड्डी, हाँ, वो उतने पर तो हम नहीं जा सकते कि वो उसको 10 गड्डी का दूसरा डबल करना है, तो उनको फोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, आधी आधी हो जाएगी ना, आधी आधी होगा जाएगी, तो 10,000 के 20,000 कोई बैंक में डालो तो उसका पैसा बढ़ेगा, 2 महीने लगेंगे। हम तुरंत पूछ रहे, चलो सवाल को रोक के रखते हैं, फिर आपको सोचना है तब तक के, मैं दूसरा पूछ लेता हूँ, है ना। जैसे समझ लो ये जो नहर है, इसको नदी मान लेते हैं, बहुत बड़ी नदी है, और आप इस तरफ खड़े हैं और आपके यहाँ का कुत्ता उस तरफ खड़ा है, समझ रहे हो ना। नदी के इस तरफ आप खड़े हो और आपके यहाँ का कुत्ता उस तरफ खड़ा है, तो आप जब वो कुत्ते को आवाज मारते हो, तो वहां पुलिया भी नहीं है, नाव भी नहीं है, और वो इस तरफ आ जाता है और भीगता भी नहीं, तो ऐसा कैसे आया होगा इस तरफ? और पानी है उसमें, अब वो कैसा आया ये सोचना है आपको, और भीगा नहीं, गिल्ला भी नहीं हुआ, नाव भी नहीं है, पुलिया भी नहीं है। वो ऐसा है कि उड़ान मार के कूद करके, चौड़ी नदी है, यहाँ से पानी टंकी तक चौड़ी है समझ लो, फिर आप सोचो थोड़ा सा। हाँ, वो सूखी नदी होगी, उससे कुत्ता आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही उत्तर है इनका। एकदम सही है। अब नदी सूखी रहेगी तो कहाँ से भीगेगा? वहाँ नाव की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो हमारा एक सवाल रह गया गुरु, कौन सा वाला? नोट को डबल करना है गुरु, वो भी तुरंत जल्दी में, 10,000 के 20,000, 1 लाख के 2 लाख, इसको सोच रहे हो? आपको भी थोड़ा दिमाग यानी ध्यान अपना नोट के तरफ रखो। नहीं, आपके पास है समझ लो, आपके पास लो 10,000 की 10 गड्डी है, 1 लाख हो गए, अब उसको तुरंत हमको डबल करना है यानी 20 लाख करना है। हाँ, तो वो आइडिया मेरे को बताओ, बोल रहा हूँ कि मैं भी घर जाके डबल करूँ। ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसमें कोई अकल नहीं चलती ना। अच्छा, चलो इसको एक सवाल अभी ले लेते हैं और इसको आखिरी में क्लियर कर देंगे, इसके बाद में आखिरी सवाल अपना भाव। एक ऐसा आदमी है, वो दिन भर दाढ़ी बनाता है, बाल भी काटता है, और शाम को उसके बाल जैसे के वैसे रहते हैं, ऐसा क्यों?
कि हमको जैसे कि वैसे चले दिखते हैं। दिन भर वो दाढ़ी बनाता है, दिन भर बाल काटता है और शाम को जैसे के वैसे बाल हो जाते हैं उसके, वैसा दिखता है शाम को घर जाके देखो तो। वो क्या है, सवेरे बना है तो वो बाल तो वैसे दिखेंगे ना भाई, शाम तक कैसे जग जाएंगे, दिखते छे वो मुंडन होता है आदमी तो 3 दिन लगते है तो बाल बढ़ते छे ना भी। वो ना मेहंदी लगाता है, जितने थे उतने ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं जैसे हाथ भर लंबे बाल थे उसके सवेरे तो शाम को देखेंगे हम तो उतने ही दिखते हाथ भर, उतने कैसे कैसे दिखते है क्या बिल्कुल। हाँ बताओ, वो काली टोपी पहनता है, काली टोपी पहनता है और वो जो ये रहता है ना क्या कहते है वो डालता है। अच्छा ये तो नई बात हो गई, फिर से बताओ क्या है, मजेदार बात बताया। हाँ ना मजेदार बात क्या है, अभी क्या डालता है वो झोटे जो आते हैं ना वो ही डालता है। समझे आप, अच्छे से सुनो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक ऐसा आदमी है वो दिन भर दाढ़ी बनाता है, दिन भर बाल काटता है, लेकिन उसके बाल जैसे के वैसे रहते हैं, तो ऐसा क्यों रहते हैं? वो नाई के बाल है। हाँ तो समझा के बताओ ना, बिल्कुल पहुंच गए उत्तर के पास, पहुंच गए। वो नाई के बाल है, वो दिन भर काटता है नाई, मगर नाई के बाल रहते हैं जैसे रह जाते हैं। एकदम तीनों सवाल हमारे मिल रहे हैं यार, बिल्कुल एकदम सही जवाब मिल रहा है, यानी इस एपिसोड में मजा आ रहा है बुजुर्गों के साथ में। सवाल बहुत कठिन है जो कि ये एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वाले सवाल है, जो कि इन्होंने उतनी पढ़ाई भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा उत्तर बराबर मिल रहा है। अब मेरे को ये सिखा दो, यानी जो नाई है दिन भर बाल काटता है दूसरों के और नाई के बाल जैसे के वैसे एकदम सही है। तो अब एक सवाल बच गया था हमारा, उसकी आइडिया बता दो बस कि डबल कैसे होंगे नोट के नोट। सवाल ऐसा था, अच्छे से सुनो बाबा, भी आपके पास मान लो 10 गड्डी है नोट की, वो नोट को तोड़ना नहीं फोड़ना नहीं है, 10 गड्डी की 20 गड्डी करना है, यानी 10 लाख के 20 लाख करना है तुरंत बिल्कुल, तो वो कौन सा तरीका होगा कि डबल मेरे को तुम दिखा सकते हो? डबल दिखाना है वो भी 10 मिनट में, चलो मैं 2 मिनट में डबल दिखा सकता हूँ। नहीं वो तुमको नॉलेज हो गया है ना भाई, 2 मिनट में मैं 10 लाख के 20 लाख दिखा सकता हूँ, तो कैसे दिखाएंगे? कुछ भी अंदाज लगाओ, अभी जैसे लगाया ना, अभी नाई पे अंदाज लगा लिया, तो ऐसे अंदाज लगाओ, नहीं जम रहा है बता दो आखिरी में। बता दो भैया, बता दो, कार्यक्रम को खत्म करते है ना। ये तरीका पूछ रहे हम, क्योंकि पैसा डबल तो होता नहीं 10 मिनट में, तुमने ऐसी गड्डी रख दी है 10 और यहाँ आईना रख दो, कितनी दिखेगी? हाँ बराबर है, वो आईना रखने से इधर के भी नोट दिखते हैं और उधर के भी दिखते हैं, तो डबल हो जाएगा है ना। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी हम कोशिश करेंगे हर दिन अपना एक दिमाग को करेंगे तेज, एपिसोड आपको भेजते जाएंगे। और हमारा न्यूज चैनल के लिए तुरंत हमको आवश्यकता है न्यूज रिपोर्टर की, आप जिस भी राज्य से जिस जिले से होंगे, हमारे जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चलता है तुरंत आप कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुथेकर, यशवंत लीलारे कैमरामैन के साथ, नमस्कार दोस्तों।